मैदा, काला जीरा एंड घी, लिटिल बिट ऑफ घी। मैदा कितने क्वांटिटी? 400। मैदा 400 ग्राम, दैट देसी घी एंड काला जीरा फॉर मेकिंग समोसा। इसको भूनना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं क्या करना पड़ेगा। सो नाउ द डो इज रेडी। मैदा को भूनने के बाद आलू को सारे पूरा उसका स्किन निकालना पड़ेगा और अच्छे से उसको धो के साफ करके, अब इसका स्किन निकाल के इसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप करेंगे। उसके बाद समोसा का जो मसाला है उसको बनाएंगे। फ्रेंड्स अब देखते रहिए वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आलू चॉप हो रही है, उसके साथ साथ हमारा जो मटर इसको उबाल लेते हैं, इसको क्या इसमें निकाल देते हैं, पूरा मटर उबल गया है। आलू को काटने के बाद अदरक को भी पूरा छोटे छोटे पीसेस में चॉप किए और फिर प्याज को भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर रहे हैं। काट कर रख के फिर आपको बताते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, अब तेल डाल रही है, ये सरसों का तेल है और समोसा के अंदर जो मसाला मतलब घुसेगा तो वो मसाला के लिए इतना अरेंजमेंट हम लोग ने करा, ये धनिया पत्ता, वही आपको बोला था ऑलरेडी, चॉप्ड जिंजर, करी पत्ता, दिस इज द प्याज एंड मटर, आई मीन द बॉइल्ड मटर एंड दिस इज द ग्रीन मटर एंड दिस इज योर चॉप्ड पोटैटो पीसेस, सो लिटिल बिट जीरा, करी पत्ता, द करी लीव्स, द ऑनियन पीसेस, चॉप्ड ऑनियन, द जिंजर, ये तरतरे करने में चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स अभी चिली पाउडर ऐड किए, मैजिक मसाला, दिस इज द मैजिक मसाला। फिर ये मैगी का आता है मैजिक मसाला, मैगी, मैजिक मसाला भी डाला इसमें। और ये क्या है? सीक्रेट पाउडर।
सीक्रेट पाउडर, ये चिकन मसाला फ्रेंड्स कुछ भी सीक्रेट नहीं है। देखिए चिकन मसाला का पाउच ले, हम लोग तो चिकन खाते नहीं है, बस देखिए यही है चिकन मसाला, समझ रहे, छोटा सा पाउच लेके आए हुआ और क्या। अभी चॉप्ड पोटैटो को डाल दिए, चॉप्ड आलू भूजिए, उसके बाद द ग्रीन मटर, ग्रीन मटर डाल दिया, अच्छा खुशबू आ रहा है। नाउ द बॉइल्ड मटर, मटर का इंग्लिश क्या है भाई, स्प्राउट्स मटर का इंग्लिश कौन है, मटर मसाला अधिक है। तो अभी फ्रेंड्स धनिया पत्ता डाल रहे हैं, अभी मसाला हाँ रेडी। गरम मसाला, फ्रेंड्स अभी लगभग पूरा मसाला रेडी हो चुका है, पूरा 98% हो चुका है। और थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो मैदा को इसे जॉइंट करने के लिए दोनों साइड से थोड़ा पानी को यूज़ कर रहे हैं, लाइक हाउ यू नो द समोसा इज बीइंग फोल्डेड। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस टू मेक द शेप ऑफ समोसा। Inside that we are going to put this masala which is already got prepared, so now it is the time to put that masala inside the samosa. All right guys, see, like with a small spoon you have to fill the samosa. Then you have to press it by that spoon. Then you know guys, water. So likewise for using as a glue, the water will be used. तो पानी में ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा के इसको फिर क्लोज करेंगे। देखिए ऐसे ही हिलना नहीं है, तो हिलना नहीं कहीं। এইটা হলানি এইটা।